अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल मतीन क्राफ्टिंग वर्ल्ड। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड करने का मौका मिला है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अरेबिक कैलीग्राफी के लिए बैकग्राउंड रेडी करेंगे, जिसमें मैंने 12x12 साइज़ का कैनवास लिया है। इसके ऊपर पेंट करने के लिए मैं सबसे पहले एक कंटेनर लूँगा और इसके अंदर रा अंबर एक्रेलिक पेंट को ऐड करूँगा। पेंट आपने उतना ही ऐड करना है जितना आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा पेंट ऐड नहीं करना, क्योंकि इससे जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, पेंट जल्दी सूख जाता है और सूखने के बाद ये बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा पानी को ऐड किया है ताकि जो पेंट करना है वो ईजी हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम इसको कैनवास के ऊपर करेंगे ये फौरन ड्राई हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा इसके अंदर वाइट पेंट को ऐड किया है ताकि इसका कलर जो है वो ज़रा लाइट हो जाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर लाइट्स एंड डार्क का प्ले करना है। कलर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगा कैनवास को। बेहतर है कि आप पहले थोड़ा गीला कर लें, उसको वेट कर लें स्प्रे के साथ या पानी के साथ, इससे जो है वो कलर का फ्लो जो है वो ज़रा इजी हो जाता है। अब इस फ्लो के अंदर इसके ऊपर पेंट करना है। आप सेंटर से स्टार्ट करें, क्योंकि लाइट पेंट जो है वो मैं सेंटर में करूँगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आर्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और जो भी मैं नया कंटेंट डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर लें। अब जो हिस्सा रह गया है मैं वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट एक्रेलिक पेंट को ऐड करूँगा। इसमें मैंने वाइट पेंट को ऐड नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें लाइट्स एंड डार्क का प्ले करना है इसके ऊपर। तो इसके लिए सेंटर में जो है हमारे पास लाइट कलर हो गया है और साइड्स के ऊपर हमारे पास जो है वो ज़रा डार्क ब्राउन शेड आ जाएगी। अब मैं डायरेक्ट ब्रश के ऊपर थोड़ा थोड़ा पेंट ऐड करता रहूँगा और साथ साथ जो अंदर अंदर जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही है अंदर कहीं कहीं पर जो है वो डार्क टोन की ऐड करते जाना है। अब यहाँ पर मैं रस इना पेंट को ऐड करूँगा। इसको भी डायरेक्ट ब्रश के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करें और साथ साथ जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत लग रही है, जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही है, मैं वहाँ पर ऐड करता जा रहा हूँ। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस प्रोसेस को ज़रा जल्दी जल्दी करें, क्योंकि कलर जो है एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर ये कलर एक बार ड्राई हो गया तो इसको मर्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि आप इस प्रोसेस को ज़रा तेज़ तेज़ करें ताकि कलर जो है वो मर्ज हो सके आपस में। अब इसके अंदर मैंने टाइटेनियम वाइट पेंट लिया है और भी इसके अंदर कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ पर स्पेस है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये कलर ऐड होना चाहिए, मैं वहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप एक कलर के ऊपर ही बार बार दूसरा कलर ना ऐड करते जाएँ, ज़रा स्पेस देकर फिर ऐड करें। अब मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की पेंट के साथ जो है वो कहीं कहीं पर प्लेस करूँगा ब्लैक पेंट को। ब्लैक पेंट लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पेंट को बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं ब्रश के ऊपर लगाना, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है और इससे पेंटिंग जो है वो आपकी ख़राब हो सकती है। बहुत कम एक्रेलिक पेंट मैंने लिया है इसके लिए और इसको मर्ज करने के लिए मैं इसे बहुत स्पीड के साथ जो है वो फैला रहा हूँ। अब कैनवास मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको फुल ड्राई होने देना है आपने अच्छी तरह से। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर इसके लिए कॉपर पेंट लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा थोड़ा पानी ताकि जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसके साथ हमारा कैलीग्राफी करना ब्रश के साथ ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पेंट को यूज़ करेंगे तो उसके साथ कैलीग्राफी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राई होगा। जैसे अभी भी आप देखेंगे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जब मैं इसको कलर को करना स्टार्ट करूँगा उसके ऊपर तो ये बहुत जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। कैलीग्राफी को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश लिया है। मेरे पास जो ब्रश है वो ज़रा छोटे साइज़ का है। अगर आप बड़े ब्रश के साथ लिखना चाहते हैं, अगर आप उसमें इजीली लिख लेते हैं तो बेहतर है कि आप उसके साथ लिखें। अगर आप छोटे ब्रश के साथ लिखना चाहते हैं तो आप छोटे ब्रश के साथ लिखें, लेकिन इसके लिए बेहतर है कि आप अगर छोटा ब्रश है आपके पास तो पहले आप नीचे ट्रेस कर लें पेंसिल के साथ या किसी और चॉक के साथ, और फिर उसके बाद इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें। अपने आप को लिखने से कभी रोक के नहीं, मतलब कि कभी डरे नहीं घबराए नहीं कि क्या आपसे सही लिखा जाएगा या सही नहीं लिखा जाएगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। एक राइटर ने बहुत खूबसूरत बात की है, रिमेंबर योर वर्क इज़ अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, लेट इट शाइन विद द ब्रिलियंस ऑफ योर क्रिएटिविटी। तो कभी भी घबराना नहीं है, आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके काम में बेहतरी आती जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, आप और क्या क्या कर सकते हैं।
मेरी कैलीग्राफी जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को कंपोज़ किया है बैकग्राउंड के लिए। आप चाहें तो इसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक पेंट के साथ कुछ और भी लिख सकते हैं इसी कैनवास के ऊपर, जिससे ये जो है लफ्ज़ अल्लाह जो है बैकग्राउंड में चला जाएगा और आप ऊपर अपनी कैलीग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को कम्प्लीट हो गई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी पुरानी वीडियोज़ का लिंक यहाँ पर रहा, आप वीडियोज़ को चेक करें। चैनल को थैंक यू।